later on I discovered his novels on variety of theme. So Nautanki is one of the form which is very popular into the rural areas, and that's how I read the first novel, which interested me a lot. And then this was the latest work, and I was telling him that not many people are writing on the historical subjects. So without wasting the time, first of all I would like to welcome Mr. Morwal, and then we have the honor to have Sohaib Ilyasi with us. Many people of you would have seen him on the television. For more than 10 years the program continued on a variety of channels. So that's another interesting aspect for today's time. Beside that, we have Mr. Praveen from the Raj Kapoor Prakashan, who is not only just working in the PR department there, he himself is a anchor and RJ. So these are the three guests I would like to invite here first. Please come. इनको बीच बीच में इधर आना भी पड़ेगा थोड़ा सा. एंड टुडे वी हैव विद अस फर्स्ट बैच ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज ए ऑनर एंड प्रिविलेज एंड इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज. आदित्य त्रिपाठी इज ग्रेजुएट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन. इन द फर्स्ट बैच ही डिड अ कोर्स कॉल्ड पीआर एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट. He has been working into the variety of organization as an event manager. दोस्तों नमस्कार. जैसे नरेश जी ने अभी कहा कि मेरा ताल्लुक इस इलाके से और आपके इंस्टीट्यूशन से बहुत पुराना है, यानी ये मेरे ही सामने यहाँ आया है. इसके बिल्कुल बगल में बीक्वेल में मैं यहाँ नौकरी करता रहा हूँ. सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की जो ऑफिस है ये, यहाँ से मैं अभी पिछले वर्ष जनवरी में रिटायर हुआ. तो आप मेरे उम्र पर मत जाइए, आप मेरी दूसरे कामों पर भी जाइए. क्योंकि ये इलाका लगभग हमारा ये ऑफिस जिस वक्त यहाँ आया था 91-92 में आया था. आप अंदाजा करिए कि पिछले 20-25 सालों में ये इलाका जब हम यहाँ आए थे तो क्या रहा होगा, आज क्या है. तो इसलिए ये इलाका और खास तौर से जब क्राफ्ट फिल्म स्कूल जब यहाँ आया, और मैं पिछली बार जो मैंने यहाँ आयोजन देखा था, जो पहला आयोजन था जनता स्टोर पर, वो मुझसे किसी झोंक में वो मुझसे मिस हो गया. लेकिन जो दूसरा आयोजन हुआ था प्रभात रंजन की किताब पर फालतू बोहेमियन, जिसका कि आपने बैनर इससे पहले उन्हीं का लगा हुआ था, तो तब मैंने इसमें ये ज्वाइन किया था यहाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई. देखिए मैं उपन्यास के बारे में नहीं, मैं थोड़ा सा एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जब ये नरेश जी यहाँ शिफ्ट किए थे तो ये चर्चा होती थी कि भाई जैसा दिल्ली में माहौल है लिखने पढ़ने का, और जिस तरह के ठिकाने इस तरह के जो लिटरेरी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यहाँ दरअसल स्पेस बहुत कम हो गया. एक समय था जब हम कॉफी हाउस जाते थे और वहां हमने 60-70 एक टाइम में हर सेकंड हम जाता था वहां, और अगर नहीं जाता तो हमें कुछ अजीब सा लगता था कि आप इस सैटरडे को हम गए नहीं. उस मोहनसी जो प्लेस है ना, प्लेस वहां खुली छत पर, वहां हमने भीष्म सहानी जी को देखा, वहां हमने विष्णु प्रभाकर को देखा, वहां हमने कहना चाहिए कि बाहर के भी जो लेखक आते थे वहां उन लोगों को देखा. तो आप समझ सकते हैं कि एक लेखक के लिए ये सब चीजें कितनी अहमियत रखती हैं. तो जब ये बात चली तो नरेश जी का ये प्रस्ताव था, प्रपोजल था कि यार हम यहाँ कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि कम से कम साउथ दिल्ली में एक ऐसी जगह हो जहाँ की इस तरह की बैठक निशस्त चर्चा की जा सके. क्योंकि इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि जो ऐसे आयोजन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया से जुड़ी हुई है, वो इनके साथ बहुत अच्छी है. और ऑडियंस की जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि मायने ये नहीं रखता कि उसमें कितनी भीड़ आई है, मायने ये रखता है कि उसमें किस तरह के लोग हैं.
जैसे आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए ये चीजें, चूंकि साहित्य और फिल्म है या टेलीविजन है, इनका दोनों का कहना है चोली दामन जैसा साथ है। अगर अच्छा साहित्य नहीं है तो आपको अच्छी फिल्में नहीं मिलेंगी। जैसे नरेश जी कहते कि अगर ये उपन्यास आशुतोष गोवरकर के हाथ लग जाए, क्योंकि जो इसका ताम छाम है, जो इसका पूरा दृश्य है, वो बिल्कुल उसी के लायक है। कोई छोटा मोटा फिल्म प्रोड्यूसर को डाल ही नहीं सकता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये शुरुआत हुई और अच्छी बात है कि देखिए, मैं तो खुद भी, मेरी एक दिलचस्पी इसमें होती है कि मैं ज्यादा इस तरह के आयोजन में, मुझे ठीक है कि अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो सबसे ज्यादा जो ताकत है वो स्टूडेंट्स को ही मैं अपनी ताकत मानता हूँ। यूनिवर्सिटीज में यदि डिपार्टमेंट्स में हम जाते हैं लेखक के तौर पर, तो हम कभी भी वो सैद्धांतिक की बात नहीं करते जो टीचर्स को बताते हैं, हम वो बात करते हैं जो बच्चों को ये समझ में आए कि आखिरकार उपन्यास लिखने के लिए एक लेखक क्या क्या तैयारियां करता है। बिल्कुल उसी तरह से माध्यम अलग है, हम हाथ से हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, फिल्म वाला अपने कैमरे से और अपने दूसरे उससे करता है, नाटक वाला मंच और दूसरे तरह से करता है। तो इस तरह से मैं आभार व्यक्त करता हूँ नरेश जी का, क्योंकि इनकी जो एक्टिवनेस है वो बहुत ही गजब की है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत कम लोगों को देखा है। यानी ये जिस तरह से तेजी से जो इनका काम करने का तरीका है, यानी एक साथ कई उस पर मोर्चों पर ये काम कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में जब हम ये कहते हैं कि पढ़ने की लोगों में रुचि इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, ऐसे में अगर क्राफ्ट फिल्म स्कूल इस तरह के आयोजन करता है, तो मैं समझता हूँ कि आज नहीं, आने वाले वक्त में इसके इस भूमिका को, इस रोल को आप लोग उसके गवाह बनेंगे। जब आप किसी मकाम पर पहुंचेंगे तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि ये लेखक या इस पर ये जो चीजें कभी ये हमारे इंस्टीट्यूशन में आए थे, ये बहुत गर्व की बात है। तो मैं अपनी इतनी ही बात कहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को जो आज का ये आयोजन है, और खासतौर से उपन्यास को लेकर खानसादा, यानी ये आपकी हो सकता है कि आपको शीर्षक भी टाइटल भी अजीब सा लगता है, खानसादा शब्द क्या होता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए, बात होगी। सुहेब इलियासी जी, एक वक्त था कि जब इंडिया मोस्ट वांटेड जी टीवी का एक प्रोग्राम होता था रात को लेट नाइट 10 बजे के आसपास, जहां तक मुझे याद है, तो लोग इंतजार करते थे, और उसके बाद तो क्राइम से रिलेटेड जितने सीरीज सब बात ही बातें हैं। मैं 5 से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व की बात इसलिए है कि सुहेब इलियासी जी उसी जमीन से है, उसी मेवात से, जहां से मैं हूं। तो एक ने एक ये एक जो आत्मिक संबंध जो होता है, और इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि मैं इनको नहीं जानता, ईमानदारी की बात है, पर्सनली दूसरी मुलाकात है इनसे, हमारी मुलाकात जो फोन पर भी बात हुई वो सिर्फ इस उपन्यास के ही माध्यम से हुई। यानी देखिए कि लिटरेचर कैसे जोड़ता है लोगों को, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और इन्होंने फिर इस उपन्यास की कुछ अथेंटिसिटी को इन्होंने चेक किया, और जब इन्होंने पोस्ट डाली फेसबुक पर, तो मुझे तसल्ली हुई कि हाँ, जो मैंने काम किया है वो काफी हद तक उसमें मैं कामयाब हो पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब ये बातचीत का सिलसिला हमारे शुरू होगा। क्या आपको लगता है कि आप मेवात के या हिंदी साहित्य के समान रुचि हैं? देखिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य से एक चीज जी एक मैं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे बैठ के आप दोनों बात करें ना, तो अच्छा, तो फेसबुक लाइव के लिए हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि ये वो फॉर्मेट में सॉरी मतलब मैं जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पहली किताब हलाला, उसके बाद फिर आपकी दूसरी किताब खानजादा, दोनों ही किताबों में और उससे पहले भी कारा पहाड़, अक्सर आरोप लगता है कि आप धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़का कर लोगों के दिलों को, लोगों के एहसास को, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप सलमान रुश्दी हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि आप हिंदी साहित्य के सलमान रुश्दी हैं? ये सोहेब भाई, आपने बहुत ही चुभने वाली बात कही है एक लेखक के लिए। जब हम लेखन की बात करते हैं तो लेखक की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आप लेखक को हम समाज का कुछ मामूली यूनिट मत समझिए, नागरिक मत समझिए, लेखक की अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। हलाला, देखिए हमारे दुर्भाग्य से होता क्या है, हमने ये धारणा बनाई हुई है
कि अगर मैं हिंदू हूं और हिंदू के धर्म ग्रंथों पर या उसकी धार्मिकता को लेकर अगर सुहेब इलियास या इम्तियाज जी कुछ लिखते हैं तो मैं क्यों परेशान होता हूं, मैं क्यों ये मान के चलता हूं कि उस पर लिखने का हक सिर्फ मेरा ही है। दूसरी बात, हमारे यहां जो सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी ये है सुहेब भाई कि हम बगैर पढ़े अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ अगर किसी उपन्यास का शीर्षक हलाला है या तलाक है या कुछ इस तरह का है और हम सीधा ये कह दें कि आपने तो आपको क्या हक है इस पर लिखने का, मैं समझता हूँ कि हमें पहले रचना पढ़ लेनी चाहिए। हलाला शायद पता नहीं, नहीं आप बच्चों को नहीं पता है, आपने नाम सुना होगा, हलाला होता क्या है बताना, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत से लोग जानते लेकिन बच्चों को बताना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हलाला मुस्लिम समुदाय में एक रस्म है और वो रस्म ये है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उन दोनों में किसी नासमझी की वजह से या किसी कहनासाही की खटपट की वजह से उनका सेपरेशन हो जाता है और शौहर बीवी को तलाक दे देता है, लेकिन बाद में ये लगता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोविजन ये है कि अगर वो दोबारा वो पत्नी अपने शौहर के पास आना चाहे तो इस रस्म से गुजरे बिना वापस नहीं लौट सकते। अब आप कह सकते हैं कि मैंने ये इसको ही क्यों शीर्षक दिया और खास तौर से उसकी पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड बेवाक है दोस्तों उस उपन्यास की। मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाता खासतौर से मेवात के, मैं मेवात को बदनाम कर रहा हूं। देखिए लेखक जब कुछ चीज लिखता है तो बहुत सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। मैं इस उपन्यास की बैकग्राउंड पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक इलाका भी मुस्लिम इलाका में रख सकता था, मैं इसके बैकग्राउंड बिहार का कुछ मुस्लिम इलाका भी रख सकता था, उत्तर प्रदेश का भी रख सकता था, मैंने मेवात का है क्यों रखा, जबकि तो ये रस्म तो हम प्रैक्टिस में भी नहीं है, वहां को जानता भी नहीं इसको। दोस्तों उसका कारण यह है कि मैं उस जमीन को, मैं वहां के लोगों को, वहां के आचार व्यवहार जीवन जगत को बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं, इसलिए मैंने अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए वो पृष्ठभूमि दी, वो पात्र वही कहे, पृष्ठभूमि वही कहे, लेकिन मैं अंतिम बात इसमें ये कहता हूं, मैंने इस उपन्यास के माध्यम से एक स्त्री की संवेदनशीलता, उसकी पीड़ा जब वो इस रस्म से गुजरती है वो क्या महसूस करती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है, मैंने उस दृष्टि से उस उपन्यास को लिया। क्योंकि इस उपन्यास को लिखने के पीछे एक और भी था कि जब मैंने कुरान को पढ़ा तो पूरी कुरान में हलाला को लेकर अल निसा की जो वो सूरा है उसकी सिर्फ एक आयत दो आयत है, उस आयत में हलाला को लेकर सिर्फ इतनी बात कही गई है कि दूसरे शौहर से शादी करने के बाद या तो दूसरा शौहर उसको तलाक दे दे या उसकी डेथ हो जाए, इस सूरत में वो अपने पुराने शौहर के पास जा सकते। लेकिन बाद में ये चीज कैसे आई मैं कह नहीं सकता कि उस हलाला रस्म में खाली दूसरे शौहर से निकाह करना ही काफी नहीं है, जो इसमें असली पेज है इस रस्म, उस दूसरे शौहर के साथ कंज्यूमेशन सहवास करना बहुत जरूरी है जिसको की लेकर इस पर विवाद होता, और जब इस प्रक्रिया से गुजरती है वो स्त्री उसके दिल पर क्या बीतती है और उसकी जो और उस घर परिवार में जो महिला वो क्या सोचती है इसके बारे में, मैंने दरअसल एक स्त्री की नजर से इस रस्म को देखने की कोशिश की। 1526 इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना है और बाबर का हिंदुस्तान में आना और फिर हिंदुस्तान पर इब्राहिम लोदी की हार, उसके जो तोपखाने को उसका सहरा बांधा जाता है और आपने बहुत जबरदस्त पंडरकशी की है उस हालात की। ऐसा लगता है मौलाना साहब आप वहीं मौजूद थे, आप वहीं खड़े थे और आप सब पूरी तरह से उसको किसी कागज में लिख रहे थे और आपने हमारे लिए उसको पेश कर दिया। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह से तोपों को टीलों पर सजाया गया और किस तरह से एक पंडरकशी हमारी मुख्तसर हमारे ऑडियंस को दी। दोस्तों हम सब जो जिनका थोड़ा सा हिस्ट्री से थोड़ा सा परिचय है, हम सब जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में, किसी भी जंग में, किसी भी युद्ध में जो पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल हुआ
वो बाबर के समय में हुआ और वो भी पानीपत के पहले हुआ। उसके दो तोपची थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफा कुली। उस्ताद अली कुली तोप ढालने का काम करता था। उस युद्ध में पहली बार तोप खाने का यानी तोपों का इस्तेमाल हुआ था, और इसमें एक पद्धति होती थी उसकी, उसको कहते हैं तुलुमा। अब मैं जब इस उपन्यास को लिखने से पहले जब मैं उस शब्द को बार बार देख रहा हूं, मेरे सामने जब जिसने आपने मंजर कृषि की बात की किस तरह से युद्ध होता है, तुलुमा का मैंने बहुत डिक्शनरीज में और जगह जगह देखा इसका असली अर्थ क्या है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं मिला। उसका एक कारण यह है कि तुलुमा एक इंपैक्ट एक्शन है। उस एक्शन के तहत, तुलुमा के तहत आप कल्पना करिए कि इब्राहिम लोदी की सेना आपको पता है कितनी थी, 1,00,000 से ज्यादा। बाबर की कितनी सेना थी आपको पता है, 15,000 से 20,000 की। एक आदमी जिसके कि सिर्फ 15,000 से 20,000 की तादाद में जिसके पास फोर्स हो, वो इब्राहिम लोदी की भारी भरकम जिसमें कि हाथी भी है, घोड़े भी है, हर तरह से वो आदमी मजबूत है, उसको बाबर हरा देता है। ये बहुत बड़ी बात है, 1,00,000 की सेना को हराना 15,000 से 20,000 सेना के कुछ मामूली बात है। वो जो हराता है बाबर, उस युद्ध को जीतता है, उसका असल कारण यही है कि उसके पास एक तो तुलुमा पद्धति थी। अब तुलुमा अगर मैं समझाऊं तो इसको फ्रेंच मार्च कहते हैं इसको, यानी दोनों तरफ से सेना इस तरह से घेरा बांधती है कि दुश्मन की फौज उसके बीच में आए और फिर वो उसमें कई लेयर्स होती है, और उसको उस दुश्मन की सेना को जो बीच में आती तब उसमें वो उसमें उस पर अटैक करते। तीनों बार अराबा जिसको कहते खसरा गाड़ी, 700 गाड़ियों का इंतजाम किया था बाबर ने पानीपत के युद्ध। उन खसरों को, अराबों को तीनों पर एक तरह से बेल्ट की शक्ल में, चैन की शक्ल में उनको 7-8 फीट की दूरी पर उनको खड़ा किया गया था। उनके पहियों के नीचे टेक लगाई गई थी, जैसे आप गाड़ी खड़ी करते उसके नीचे टेक लगाते थे कि गाड़ी नीचे ढलान से नहीं जाए। और जब वो धीरे 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 फौज इब्राहिम लोदी की आगे बढ़ती है और दाएं बाएं से बिल्कुल कहना चाहिए कि तीरों से और तोप नहीं चलती तब तक सिर्फ तीर और जो तुफंग, एक उस वक्त एक बंदूक होती थी, तुफंग की गोलियां बरसती हैं। लेकिन जब पूरा बाबर की फौज बीच में आ जाती है या राणा सांगा की, वो खानों में भी वही दृश्य बीच में आ जाती है, तो फिर वो अपने उनको उस्ताद अली कुली को हुक्म देता है कि अरबों को छोड़िए। तो जिस वक्त वो अरबी ढलानों से आते हैं, आप कल्पना करिए 700 चक्रे जब थरथराते हुए नीचे आ रहे, और उसके नीचे ग्राउंड में टीले के नीचे वहां वो खाई होता है, खाइयों को वो टहनियों से उसे फाड़ देता है। तो जैसे ही वो लोग आते हैं और जैसे ही उस तरफ से अराब तो नीचे आते हैं, तब उस्ताद अली से कहता कि अब तुम तो ताप दाओ। अब मजे की बात यह है, जब हम तोप का नाम देते हैं तो हमारे मन में सीधे सीधे ये आता है कि उस तोप में गोले होंगे। हम तो यही सुनते हैं ना कि तोप से गोले बरसते हैं, बारूद वाले गोले, लेकिन नहीं। उस वक्त बारूद के गोलों का चलन नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ था। बाबर अपनी तोपों में पत्थर भरता था, और उन पत्थरों की जो पीछे बारूद भरता था, पिछले हिस्से में आपने कभी पुरानी तोप देखी हो तो पिछले हिस्से में वो बारूद भरता था, और उस बारूद से जो पत्थर जो निकलते थे, यानी एक तोप की जो रेंज होती थी वो 1.5 किलोमीटर तक वो पत्थर बरसाते, तो वो जो पत्थर बड़ी तेजी से बिजली की तेजी की तरह जब उस हाथियों के उस पर जिस्म पर पड़ते वो, तो हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे हटने लगे। यानी जो इब्राहिम लोदी की सेना थी इतनी बाबर की फौज से नहीं मरी, जितने उन तोप के गोलों से के लगने से हाथी जो एकदम भागे, वो इधर उछल कर उनके हाथी घोड़े जो मरे। उसके बाद जब उनका युद्ध समाप्त होता है, खत्म होता है, फिर बाबर आगे की तरफ बढ़ता है, और फिर वो दूसरा युद्ध जस्ट 1 साल बाद 1527
ये अप्रैल 1526 का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था कि जिसमें कि हसन खां मेवाती को इस पर एक जो सबसे बड़ा विवाद है जिस पर मेवात में जो इन दिनों चल रहा है जो हमारी यंग जनरेशन है उनका यह कहना है क्योंकि हर देखिए यानी कहना चाहिए कि हर तरह के लोग दोनों तरफ उधर भी है इधर भी है दोनों तरफ से आप समझ रहे होंगे यानी जो हमारे राष्ट्रवादी वहां भी ऐसे हैं और हमारे दूसरी तरफ है तो उन बच्चों का ये कहना है कि हसन खां मेवाती को राणा सांगा का साथ नहीं देना चाहिए था बाबर का साथ देना चाहिए। मैं आप मोहरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी नॉवल के जो मुख्य पात्र हैं जैसे आपने हसन खां मेवाती सुखपाल छत्रू खां तो आपके जो मुख्य तीन पात्र हैं उनका मुख्तसर हमारे ऑडियंस को उनकी जानकारी दें और फिर मैं किस तरह से आप पात्रों के साथ खेलते हैं किस तरह से कल्पना और इतिहास और सच के साथ आपका ये समन्वय होता है उस पर बात करेंगे लेकिन हमारे ऑडियंस को आप जो आपके बुनियादी जो कैरेक्टर्स हैं जो तीन पात्र हैं उनके बारे में मुख्तसर बताएं। देखिए सबसे पहले तो वो मैंने जैसे समरपाल बताया वो समरपाल उनका नाम था और फिर बाद में जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनका नाम छछू खां था लेकिन बाद में फिरोजशाह तुगलक उनका नाम नाहर खां था नाहर बहादुर नाहर पता नहीं आप लोगों को कितना जानकारी नाहर हमारे एक जीव को भी कहते हैं शेर को नाहर भी कहते हैं आप गांव देहात में चले जाए तो शेर को कहते नाहर तो एक बार यही हुआ कि जब समरपाल ने जब इस्लाम कबूल कर लिया एक बार वो जियारत पर जा रहे थे अजमेर तो रास्ता यही पड़ता था गुड़गांव सोना और राजस्थान होती तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है जो कि दिल्ली के करोड़ बाग से शुरू होती है और आप गुड़गांव से सोना के पास है तो आपको पर्वत दिखाई देता है उसको काला पहाड़ी कहते हैं वहां वो जब लोग रुकते हैं तो फिरोज शाह तुगलक कहते हैं कि यहाँ तो जंगली जानवरों का कहना कहाँ है समरपाल से कहा कहते हैं तो कहते हैं कि चलिए हम इस वक्त कुछ शिकार करते हैं वो निकलते हैं तो जाते हैं एक जगह उनको शेर एक पेड़ के नीचे मिलता है तो क्या करता है कि जैसे ही शेर को देखकर फिरोजशाह तुगलक अपना तीर कमान निकालते हैं समरपाल उनको रोक देता है जोरे आदि शेर का शिकार को तीर से थोड़ी किया जाता तो बहादुर आदमी तो तलवार से युद्ध कर रहा है अब आप अंदाजा लगाए कितना बड़ा रिस्क कितना बड़ा चैलेंज कि आप तीर से तो आप 20-10 की दूरी तक भी मार सकते हैं लेकिन तलवार से तो आप तभी वार करेंगे जब आपके सामने शेर या शिकार होगा वो जब बात करें तो उसी वक्त वो शेर खड़ा होता है और वो जैसे जब वो खड़ा होता है तो फिरोज शाह तुगलक उनसे कहते हैं कि ठीक है तो ऐसा करिए पकड़िए तलवार और मैं तुम करिए अगर तुम इतने बहादुर हो है कैसी बात कर रहे हो वो लेता और इस बीच जैसे ही वो चपकता है शेर फिरोज शाह तुगलक की तरफ फिरोज शाह तुगलक को बस उसकी दहाड़ सुनाई देती है शेर की और अगला जब सीन वो ये है कि धड़ से शेर का जो सर है वो जमीन पर अलग पड़ा होता है तो वो उसके बाद वो इतने खुश होते हैं फिरोज शाह तुगलक उनका नाम वो बहादुर नाहर रखते हैं फिर बाद में अमीर तैमूर उनको बहादुर खां इसके बाद जो और भी पात्र बहुत हैं मैं एक पात्र की और बात जैसे हसन खां मेवाती क्योंकि ये एक तरह से खान साहबों के अंतिम आखिरी शासक थे जो कि 1527 में शहीद हो गए और इस तरह से दरअसल इसमें क्या है कि खाली खानजादा ही नहीं समरपाल ही नहीं क्योंकि खानजादा हसन खां मेवाती तो उनकी आठवीं पीढ़ी के थे उससे पहले जो मल्लू खां थे इकबाल आप देखिए कि वो मैं तो समझता हूँ हसन खां मेवाती से ज्यादा बहादुर थे उनको जिस वक्त पकड़ा गया उनका सर कलम करके हवा में जिस वक्त वो आपने सीन देखा होगा किस तरह से उछालते हैं उसका सिपाही और किस तरह से खून हवा में उछलते और उसका सर जो है लाहौर में दरवाजे में लटकाया था तो ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें यानी आठवीं सात आठ पीढ़ियों का पूरा मैंने जिक्र करने की कोशिश की है और अगर आपको लगता है कि लेखक उस तरह के दृश्य बनाने में मंजर कशी करने में अगर कामयाब हुआ है मुझे बताइए कि जब हम फिक्शन का काम करते हैं कोई कैरेक्टर बिल्ड करते हैं कोई कैरेक्टर पर काम करते हैं
चूँकि यहाँ मीडिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि आने वाले वक्त में फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग नॉवल्स या रेडियो या टेलीविजन के प्रोग्राम्स पर काम करेंगे, हमारे इन दर्शकों के लिए ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है या आपके लिए कितना सहज है कि एक पात्र के शरीर में प्रवेश कर जाना, उसके नुक्ते नज़र से देखना, उसके दृष्टिकोण से सोचना समझना और फिर उससे बाहर आना और फिर दूसरे कैरेक्टर में घुस जाना और फिर आपका अपना कैरेक्टर, फिर आपकी अपनी शख्सियत, फिर आपकी अपनी रूह, ये जो कैरेक्टर्स के बीच में मुख्तलिफ विरोधाभास है उससे जब तक नॉवल आपके खत्म नहीं होती, इस विरोधाभास से कैसे आप जीते हैं? देखिए, राइटिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है कि लिखने वाला सिर्फ एक होता है। अगर आप दूसरे माध्यमों की बात करें, फिल्म की बात करें, नाटक की बात करें, उसमें डायरेक्टर अलग होता है, म्यूजिशियन अलग होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग, स्क्रिप्ट अलग, डायलॉग्स अलग, जबकि उपन्यास को सिर्फ एक आदमी का क्रिएशन होता है। और ये आपने बहुत सही कहा कि हिंदी में एक शब्द होता पर्दाया प्रवेश, यानी मैं एक किसी पात्र का सृजन कर रहा हूं, पात्र को मैं रच रहा हूं और पाठक उसमें इस तरह से खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि जो पात्र है इसमें ये काल्पनिक पात्र है, इसमें बहुत सारी घटनाएं कल्पना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे मैं इसमें दो तीन चीजें बताऊं, इसमें एक प्रसंग है कि जब शेर शाह सूरी के पास हेमू बक्काल अपने भतीजे को लेकर उसकी फौज में भर्ती कराने जाते हैं, तो शेर शाह सूरी के फौज में एक सिपाही होता है हाजी खान, वो अलवर का है। तो जब वो शेर शाह सूरी जाता है, क्योंकि शेर शाह सूरी नारनौल में रहा था बचपन में 15 साल की उम्र तक, तो उसे वहां के उससे अच्छी तरह से वापस था वो, तो वो जब जाता तो हाजी खान भी बुला लेता है कि भाई वो भी अलवर का है, वो भी अलवर का है। तो जब वो खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद शेर शाह सूरी कहता है कि भाई नहीं, अभी मजा नहीं आया, ये खाना तो आपने खाया ही नहीं, नहीं हमने तो सबने खा लिया, नहीं तो कहता है ये तो खाना आपके लिए स्पेशल होना है। और वो खाना क्या है? उबले हुए चावल, बूरा और घी। इसको दिखाने का लेखक आशय ये कि मेवात का हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में सभी समुदायों का एक विशेष खाना होता है जो कि तीज त्योहारों से लेकर अपने मेहमानों के लिए खिलाया जाता है। जब वो खाना खाकर जब वो सोने जाता है हाजी खान हेमचंद, तो अचानक हाजी खान एक दोहा कहता है मेवात को, शेर शाह सूरी कहता है कि हाजी जी आपने अभी कुछ बोला था, कहना हुजूर अली बस ऐसे ही जबान पे आ गया, कहने के नहीं ये सुनाई। और वो सुनाता है, सुनाने के बाद फिर एक होली सुनाता है, वो उस होली का पहला ही बंद सुनने के बाद धीरे धीरे रात होने लगती है, जो मशाल है वो भी धीमी पड़ जाती है, चराग है वो भी धीमे पड़ जाते हैं, कुछ बुझ जाते हैं, कुछ अंतिम वो भी झटके ले रहे होते हैं। तो जब वो बंद सुनाता है तो शेर शाह सूरी उसको मना कर देता कि अब और मत सुनाओ। तो हाजी का धीरे से देखता है कि शेर शाह सूरी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, यानी वो उस होली में, वो होली दरअसल आप सुनते होंगे कि होली होली पर ये गीत होता है, ये इसमें जीवन दर्शन दुनियादारी उस तरह का। तो वो देखता है कि शेर शाह सूरी का चेहरा भीगा हुआ है, वो मना करता है और इस बीच धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत और मशालें हैं वो भी बुझ जाती है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ आंसू से तर चेहरा शेर शाह सूरी का है वो होली, ये जैसे आपने कहा कि अगर हाजी खां का अगर मैंने ये चित्रण किया है तो मैंने इसीलिए किया कि मैंने वो चीजें देखी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि शेर शाह सूरी की आंखों में आंसू आए होंगे? देखिए, ये अब यही तो खासियत है कि अगर मैं ये ट्रेड सीक्रेट है कि अगर उपन्यासकार लेखक अपने सारे पत्तों को खोल देगा तो फिर वो क्या किसी का फिक्शन राइटर। देखिए, यही तो चीजें होती है कि लेखक, मुझे लगता है कि यही जो अदा है, यही जो बात है, यही जो निरालापन है, ये आपको और दूसरे इतिहास पर फिक्शन पर काम करने वालों से जुदा करता है। और मैं समझता हूँ कि
यही एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। इससे पहले कि हम किताब का एक अंश पाठ करें, मैं ये चाहूँगा कि एक दूसरा विवाद जो इस वक्त मौजूद है उसको आप हमेशा के लिए शांत करें। मेव और खानजादे ये दो मुख्तलिफ प्रजातियाँ हैं, ये दो मुख्तलिफ जातियाँ हैं, या दोनों अलग अलग संप्रदाय हैं या समुदाय हैं। मेरा ये समझना है, चूंकि मैं जानता हूँ कि मेव भी और खानजादे भी दोनों एक ही वंश से उनका ताल्लुक है, वो भी चंद्रवंशी है, मेव भी चंद्रवंशी है और खानजादे भी चंद्रवंशी है। वो खानजादे जो हिंदुस्तान में है, वो खानजादे जो पाकिस्तान में है, वो खानजादे जो और दुनिया के दूसरे इलाकों में है। लेकिन जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद आपके प्रशंसकों की है, वही एक बहुत बड़ी तादाद आप पर ये भी आरोप लगा रही है कि आप दोनों में मतभेद पैदा कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है हमारे दर्शकों को? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है खानजादा ये दरअसल क्लास क्रैकर है। खानजादा अपने आप में क्लास है दोनों, वो भी मेव ही है। हम ये नहीं कहते, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन चूंकि खानजादों का संबंध रूलिंग क्लास से रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग क्लास से जिसका संबंध रहा है, उसका उठना बैठना, खान पान, बातचीत करने का लहजा बिल्कुल जुदा होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल आम। अगर हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी अगर कोई बहुत बड़ा अफसर हो जाए, तो आप देखिए उसकी एकदम उसका क्लास ही बदल जाता है, वो अपने ही रिश्तेदारों से ढंग से बात नहीं करता, तो ये मूलतः बात वो। लेकिन इस ये बात मैं बता सुहे भाई, ये बात इस बार ही निकल कर आए, खानजादे संयोग था, खानजादा उस बीच आ गया। ऐसा नहीं था कि जैसे उस वक्त हलाला उपन्यास जब आया, तो उस वक्त हलाला की बहुत टीवी चैनल पर बहुत चर्चा हो रही थी, और संयोग था कि उपन्यास आ गया, उस वक्त वो मुद्दा चल रहा था। तो इस बार ये पहली बार ये हुआ कि कुछ लोगों ने ये पोस्ट लगाई फेसबुक पर कि हम हसन खां मेवाती को अपना नायक माने या नहीं माने। मेरा ये मानना कि जिस मेवात को हम हसन खां मेवाती के नाम से जाना जाता है, हम उसके नायक पर चोरी चकारी होती है ना, तो अखबारों में ये आता है इसकी तरफ से कि इसमें मेवाती गिरोह शामिल था, तो एक नैरेटिव का भी एक कमाल होता है, एक परसेप्शन भी ऐसे बना दिया जाता है किसी आदमी को लेकर किसी इलाके को। तो मेरा यही मानना कि ये दरअसल रूलिंग क्लास, खानजादे हमेशा रूलिंग क्लास है, हम सब जानते हैं, और मेव जो है वो जमींदार, जिसको कहते हैं किसान, उस तरह का रहा है। अब ये दुर्भाग्य था कि पार्टीशन ने सबसे ज्यादा जैसे इस देश से पढ़ा लिखा आर्थिक रूप से संपन्न प्रबुद्ध मुसलमान पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था, उसी तरह से मेवात से भी खानजादे ज्यादातर चले गए। वो आज नहीं है, बहुत कम तादाद है, सोहेब भाई तो जानते हैं इस बात को, तो ये मैं उसको हवा नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो ये जब उसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का होगा कि देखिए कम से कम आप अपने नायकों पर आप सवाल तो मत करिए। ठीक है, उनका भाई अगर वो बाबर के खिलाफ उसने लड़ाई नहीं लड़ी थी मुसलमान, लेकिन उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ तो लड़ी, उसके साथ तो दिया इब्राहिम लोदी का, उसको क्यों भूल जाते हैं? राणा सांगा का क्यों साथ दिया? ठीक है, उस वक्त की राष्ट्रवाद, देशभक्ति इस तरह की चीज नहीं, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि जो हमारे राजा सामंत रहे, मेरी इसके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं, इसलिए नहीं है कि ये अपना अपनी प्रजा के सगे होते हैं, नहीं अपने रियाय के, ये सिर्फ और सिर्फ इनका अपना स्वार्थ होता है। आप कल्पना करिए कि जो इतने बड़े बड़े किले ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बने, क्या उस वक्त तो टेक्नोलॉजी नहीं, तो उसमें कितने मजदूर मरे होंगे? राजा महाराजा नहीं मरे होंगे, उनके सामंत नहीं मरेंगे, उसमें कौन गरीब जनता मरी है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दरअसल क्लास का मामला। मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह से आपने इसको समझाया है, वो लोग जो कि अनावश्यक इस तरह के विवादों को बगैर किताब को पढ़े हुए अपनी कोई राय बनाई हुई है, वो जाहिर है कि अब उसको सुनने के बाद उनकी राय तब्दील होगी। मैं मोरवाल साहब, इससे पहले कि मंच पाठ करें, आपका ताल्लुक मेवात से है और मेरा भी ताल्लुक मेवात से है, मैं चूंकि मेवात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ कितना वहाँ पिछड़ापन है, कितनी वहाँ
दुश्वारियाँ परेशानियाँ वहाँ हैं, और आपके खानदान में तो कोई साहित्य से आपके पुरखे या कोई इस तरह का कोई ताल्लुक भी नहीं, तो कितना मुश्किल आपके लिए रहा है कि इस तरह के एक बैकग्राउंड से आना, एक ऐसे परिवार से आना जहाँ के पढ़ना लिखना शौक और शौक उस तरह का माहौल भी ना हो, और फिर हिंदी साहित्य में सफलता की इतनी बुलंदी को छूना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये संघर्ष ये किस तरह रहा, और आपके आदर्श कौन है, किस तरह से आपने इस सफर को जीता है? देखिए, मेरा तो ये मानना कि आदमी का आदर्श सबसे पहले उसका जो जीवन संघर्ष है, वो किस समाज में पला है, उसके कहना चाहिए कि घर परिवार का कैसा माहौल रहा है, आसपास का किस तरह का माहौल उसमें रहा है, उसने कैसी जिंदगी जीती है। देखिए, ये लेखक की जैसी जिंदगी होती है उसके लेखन में वही रिफ्लेक्ट होता है। अगर एक गरीब आदमी जब लिखता है तो सिर्फ अपनी अपने जो गरीबी से जो उसने संघर्ष किया है वो उसी को कहना चाहिए कि शब्दों में उतारता है। और अगर किसी लेखक ने कभी भूख नहीं देखी हो, किसी ने गरीबी नहीं देखी हो, किसी ने गरीबी को या अभाव को अभिशाप की तरह नहीं जिया हुआ हो, तो उसके लेखन में फिर फूल पत्तियां ही आएंगी, जीवन जगत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन चूंकि होता क्या है कि आपकी तासीर, आपकी फितरत, आपकी प्रवृत्ति या जिसका आपका जो कहना चाहिए कि मानसिकता है, वो उसी के रूप आपकी बनती है जैसा आपने अपनी जीवन जिया है। मैं तो इसी को सबसे बड़ा आदर्श मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। My only question is that when the writer writes about any historical character which is connected with facts, what sort of fact can, and then there is a fiction. So how much is the blend of fiction with the facts? देखिए, जो अभी आपने अंश सुना उपन्यास का, इसमें सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हसन खां बेबाकी के मौत के 3 वर्जन बताए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि उसके पास तोप से एक गोला आकर फटता है, उससे मरता है। दूसरा, जो खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामे में उसको बाबर ने जो लिखा है कि उसकी मौत तुफंग की गोली से हुई। और 2 जगह मैंने प्रसंग ये सुना पढ़ा कि उसका कत्ल उसी के सेवक लात खाने किया। अब देखिए, जो पहला जो तर्क है कि उसकी मौत तोप के गोले के फटने से हुई, तो इसलिए खारिज हो जाता है उस वक्त तो गोला बना ही नहीं, और गोला बना भी तो ये भी फैक्ट है कि हसन खां बेबाकी की लाश एक कुएं से मिली। तो अगर मान लीजिए गोला फटा भी, तो क्या गोला उसको खींचकर कुएं में ले आएगा? उसी तरह से तुफंग की गोली लगी, तो क्या गोली उसको वहां पर खींचकर आएगी कुएं तक? ये फैक्ट है। लेकिन मेरा जो लात खां को लेकर, मैंने कहा कि नहीं, अगर लात खां का ये प्रसंग आया है तो ये ऐसे ही नहीं है। ये मैंने 2-3 किताबों में जब पढ़ा इसका, अब इसमें देखिए कि खानवा की जंग है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन आपने सुना, जो संवाद सुने, ये कोई आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लेखक की कल्पना है। ये दरअसल संवाद लेखक के क्रिएट किए हुए हैं। जो आपने कहा कि किस तरह से एक फैक्ट को लेखक उसको कहना चाहिए अथेंटिक बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, मैंने तो लात मुझे सिर्फ इतना ही पता था, मैंने कहा कि लात खां से मुझे मरवाना है हसन खां बेबाकी को। और ये जो डायलॉग है जो उसका हाथ सुनते हैं उसको कबाब रोटी वाला भी है, तो ये देखिए लेखक का काम यही होता है कि यही उसकी कौशल होता है, चतुराई होती है कि एक फैक्ट को, एक तथ्य को इस तरह से विस्तार देता है, और विस्तार करते करते वो पाठक को इतना कहना चाहिए भ्रम में डाल देता है कि पाठक की पकड़ में नहीं आता कि इसमें क्या कल्पना है और क्या फैक्ट है, विश्वास में नहीं लेता। इसीलिए इसको फिक्शन कहा जाता है। फिक्शन में ये होता है कि लेखक अपनी तरफ से बहुत सारी छूट लेता है।
पहुंच फूट लेता है। जैसे इसमें एक चूंकि मैं बेवाक का रहने वाला हूँ कि जब बैरम खां का कत्ल हो जाता है, आपको सब पता है कि पाटन में अकबर ने उसको बैरम खां को हज पर भेज दिया, उसको किसी ने उनको भड़का दिया था, तो उनका कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद उस वक्त अब्दुल रहीम खान ने खाना की उम्र 4 वर्ष के, 4 साल। वो जब अकबर वापस के दरबार में आते हैं तो उनको अपने बेटे की तरह मानता है। हमारे यहाँ खास तौर से हिंदुओं में अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुछ दिनों के बाद, महीना 20 दिन के बाद, वो एक बार अपने मायके जरूर जाती है। शायद बहुत सब लोग जानते होंगे वो लड़की अपने मायके जाती है। तो एक महीने के बाद जो शाहबानु उसकी बड़ी बहन है जिसका कि निकाह हुमायूं से हुआ था, वो उसको लेकर मेवात जाती है। यहां तक फैक्ट है कि अकबर के पास रहीम को लाया जाता है। उसके बाद जब शाहबानो अपनी बहन को लेकर मेवात आती है अपने घर, और वो जिस तरह से किले में, इंदौर का किला है, वो जैसे ही वहां जाती है तो वो उसको अपना बाप दिखाई देता है सबसे आगे, जमाल खान जिसकी बेटी, और वो अपने बाप से जाकर लिपटती है और वो ये संवाद बोलती है कि तूने मुझे सोने के पिंजरे में क्यों भेज दिया। यानी किसी भी स्त्री के लिए, क्योंकि सलीमा बेगम रहीम की माँ ने, जिस वक्त रहीम की उम्र 4.5-4 साल रही हुई, उस वक्त उसकी माँ की उम्र मुश्किल से 20-21 साल की रही हुई, तो जिस औरत ने 20-21 साल की उम्र में इतना बड़ा, उसको कहना चाहिए कि इतना जिंदगी का इतना बड़ा झटका लगा हो, तो वो अपने पिता को कोस नहीं कह रहा हो, तो जो दृश्य मैंने जैसे दिया है कि किस तरह से किले में जाती है, किस तरह से रोती है, कि सारे घर की औरतें आ जाती है, तो ये जो क्रिएशन है, ये जो कल्पना है, तथ्य इतना ही है कि बैरम खां का कत्ल होता है, उसको अखबार उसको मिर्जा खां का भी खिताब देता है, उसके अंदर बेटा की तरह मैं कहता हूँ, फिर उसमें शाहबानो और अकबर में संवाद होता है। मैंने कहीं पढ़ा था और हम सब जानते हैं कि सलीमा बेगम और अकबर को लेकर कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं कि अकबर की नियत खराब थी उस पर, बैरम खां की पत्नी पर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बैरम खां अकबर का गुरु था और सलीमा बेगम उससे 4.5 साल बड़ी थी। तो जब वो कहती है कि भाई तुम इसे, क्योंकि मुझे उसका, क्योंकि हमने इतिहास में ये पढ़ा कि बैरम खां उससे शादी करता था, यानी अकबर सलीमा से शादी करता है उसकी माँ, अब चूंकि मुझे शादी दिखानी है तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड तो बनानी है, तो उसकी बड़ी बहन जब अकबर से कहती सो तैयार को मना कर देता है, तब वो एक जिक्र कर, तब वो एक हवाला देता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो जंग में जिनके खाविंद शहीद हो जाते थे उनसे निकाह किया था, तो ये कोई गुनाह या जिसको कहना कहीं जिना नहीं है। और तब वो कहता है अकबर कि मैं इसको बेटे की तरह मान तो रहा हूँ, तो कहने मानने में और बेटा बनने में बहुत फर्क होता है। I think it's a wonderful insight you have given, and maybe offline I will share the email address of yours with them and they can get to you later on offline. So I would like to thank you all of you, and I'm sure that it is an enriching session for some of the students, those who are really interested. So if you have a question, please ask. Sir, वो आपने राणा सांगा का involvement बताया, उसमें राणा सांगा जी ने उनको मरवाया था, तो बाप राणा सांगा की बाबर से अदावत नहीं थी, वो दुश्मनी नहीं थी, भाई बाबर ने तो राणा सांगा से बाबर से समझौता किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, वो तो उसकी देखिए चाहे नासमझी कहिए, वरना बाबर इस देश में कितने साल रहा पता आपको, सिर्फ 4.5-5 साल, 4.5 साल बाद तो मर ही गया देश में आने के बाद। उसके बाद अगर उस समझौते के मुताबिक अगर इब्राहिम लोदी के युद्ध में बाबर का साथ दे देता राणा सांगा, तो हो सकता है इस मुल्क की तस्वीर कुछ और होती 4 साल में, ये कत्लो गैरत बाबर के नाम पर, वो मर ही गया था। आपने जो कहा ये
क्योंकि मैं जो बात ये मैंने कहा कि मरने से पहले खानवा की जंग से पहले राणा सांगा ने मिर्जा कामरान और उसके गेती सितानी के माध्यम से ये मैसेज भिजवाया और उसने कहा कि मैं तो जंग ही नहीं करना चाहता था, मैं तो आपकी गुलामी कबूल करने को तैयार हूँ, आपका सिक्का मारने को तैयार हूँ। मुझे तो ये हसन खान मेवाती जबरदस्त दिखाया है। और अगर आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो पूरी बाबरनामा में अगर किसी को बाबर सबसे ज्यादा गरियाता है, कोसता है, तो वो हसन खान मेवाती को कोसता है। इसकी वजह से ये युद्ध करना पड़ा ये मुसलमान होने के बावजूद। और जबकि उसने अपने एक बेग से शेख जमाली से मैसेज भिजवाया कि आपको मेरा साथ देना चाहिए, उसने मना कर दिया था। वो बात अलग है कि उस वक्त राजा सामंतों के कुछ स्वार्थ रहे होंगे और बाबर की भी, देखिए बाबर ने भी राणा सांगा से समझौता किया। बाबर जिस वक्त हिंदुस्तान में आया उसके पास कुछ नहीं था, पूरी तरह लुटा पुटा था। उसकी दिलचस्पी ये थी कि जो पंजाब का जो इलाका है उत्तर भारत का, ये बहुत फर्टाइल है, उसकी माली हालत ठीक हो जाती। और राणा सांगा ने की नासमझ ये रही, उसको शायद पता नहीं कैसे लगा कि या तो ये बाबर, क्योंकि एक लाख की सेना उसकी इब्राहिम लोदी की, उसकी 20,000, या तो उसको ये लगा कि मर जाएगा बाबर, और मर जाएगा तो आधा तो कमजोर इब्राहिम लोदी वैसे भी हो जाएगा, तो तू फिर आसानी से बाद में इसे युद्ध करके आसानी से जीत लेगा। लेकिन हो गया उल्टा, वो जीत गया। और उसी की वो खुन्नस थी बाबर की, जो आगे तक वो आगे तक मेवाड़ तक जाता है, उसी खुन्नस की वजह से वो आखिर तक उन्होंने नहीं किया उसको। तो आपने जो कहा ना कि बगैर मैं ऐतिहासिक बात नहीं कर, मुझे भी हैरानी हुई ये पढ़कर, कि क्योंकि देखिए दरअसल क्या था कि मेवातियों के साथ इनके साथ था क्या कि ये बहुत बिघड़ इलाका था। ये आज भी अगर आप जाएंगे सोमना से जयपुर की तरफ, ये पूरा इलाका तो ठीक ठाक है, उस वक्त तो बहुत बिघड़ रहा होगा, जंगल रहा होगा। तो ये होता क्या था कि जब भी दिल्ली के सुल्तान बादशाह जो भी बाहर से आक्रांत आते थे तो ये कभी जाते नहीं थे, करते के जाते थे, हमला करते थे, ये अरावली में छिप जाते थे, ये उनके हाथ ही नहीं आते थे और ये कुछ मानते नहीं थे दिल्ली दरबार को। और इनका इतना खौफ था मेवातियों का कि शाम होते ही दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। मुझे जो इतने छोटे से वक्त में और एक लेखक के रूप में जो बातें कहनी थी, जो मैंने यानी एक जो कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि वो आपको भी सुनकर थोड़ा सा ठीक ठाक ही लगा होगा। और मैं तो चाहूँगा कि देखिए एक लेखक की ताकत होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े। तो मेरे यहाँ कुछ नॉवेल्स जो राजकमल से आए, जैसे नरक मसीहा है, मैं देख रहा हूँ कि रेत भी लगा लिखा रखा हुआ है, क्योंकि तो कंजर कम्युनिटी पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स होती थी और खानजादा कवि। तो अगर देखिए जो अभी ये बात हुई है सारी, ये तो एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए कि ताकि आप लोगों का रुझान इस उपन्यास में पढ़े। हालांकि ये बहुत मुश्किल है आज के वक्त में कि हम लोग पढ़ने की रुचि हमारी पता नहीं क्यों अपने आप कम होती जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना जैसे मैं शुरू में कहा कि फिक्शन और फिल्म या नाटक का दोनों का भाई कहते हैं कि चोरी दामन का साथ है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी चाहिए। क्योंकि बगैर पढ़े मैं समझता हूँ कि आप जो उस तरह का काम करते हैं, इस तरह की भाषा होनी चाहिए, कहाँ देखकर कल्पना करता है, इस तरह का करता है, कैसा दृश्य बनाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इतना ही एक लेखक के रूप में ये बड़ी बात है कि आप सब लोग, और मुझे खुशी इस बात की है कि स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से अगर आगे जाकर कोई एक भी स्टूडेंट्स उस मुकाम पर पहुंचा जैसे मैंने कहा, वो कम से कम ये कहे कि भाई ये लेखक को हमने अपने यहाँ कभी सुना था, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना। हमारे आज के इस कार्यक्रम और इस चर्चा को फेसबुक लाइव के जरिए भी देश और विदेश के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं इस वीडियो को, इस स्ट्रीम को देखने वालों से सभी से अपील करूंगा कि खानजादा ये जो एक किताब है इसको ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी ज़िंदगी में किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, किस तरह से उतार चढ़ाव, नशीब फराज, किस तरह से ड्रामा
जिंदगी में देखने को मिलता है और हम खुद अपनी जिंदगियों में ड्रामा जीते हैं। मैं समझता हूँ ये किताब न सिर्फ हमें आज इस दौर में बल्कि आने वाले वक्त में भी, मुस्तकबिल में भी, हमारे आने वाली नस्लों को भी प्रेरित और उनको प्रेरणा देगी। तो जिसको भी इस किताब के बारे में जानकारी मिले उसे फौरन अमेजोन पर ऑर्डर करें और इसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये आपकी लाइब्रेरी में मुस्तकिल रह जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है। काबिल है, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल मैं बात आप लोगों से कह दूँ, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो सोहेब साहब और मोरवाल साहब का कि आप लोगों ने वक्त दिया और मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया। राजकुमार प्रकाशन से प्रकाशित भगवान दास मोरवाल साहब की जितनी भी लगभग कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, खानजादा उसमें विशेष रूप से यहाँ पे रखी है। साइन कॉपी आप यहीं से ले सकते हैं, अमेजोन तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये ले लीजिए, और यहाँ पे भगवान दास जी को साइन कॉपी आपको दे देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा वो कर लो, एक फोटो सर आप चलिए।